त्रेता युग में अवंतिका, अवंतिका मतलब वाल्मीकि महर्षि का जंगल, बहुत बड़े जंगल वाल्मीकि महर्षि का। उसी टाइम में सीता माता को प्रेग्नेंट, सीता माता लक्ष्मण जी अयोध्या से लेके आपको ये जंगल में छोड़ के वापस चल जाऊंगा। सीता माता ये जंगल में एक जागर में बैठ कर दुख बता रहा था। बाद शाम का टाइम में जंगल घूमने के लिए आएगा वाल्मीकि महर्षि, जंगल देखने के लिए आएगा। उसी टाइम में सीता माता एक जागर में बैठ कर दुख पड़ता आ रहा था। वाल्मीकि महर्षि देखा सीता माता को, कौन मां तुम्हें, कहां से आया, क्या हो तुम्हारा तकलीफ, किसी लिए इधर बैठ के दुख पड़ रहे ना, क्या मां तेरा नाम, किसी लिए इधर बैठे इतना बड़े जंगल में अकेल का बैठ दुख पड़ रहा, क्या मां परेशान, ऐसा पूछेगा सीता माता को वाल्मीकि महर्षि। सीता माता बोलेगा वाल्मीकि महर्षि को, साहब हमें कहीं कोई इधर आए, किसी लिए मेरा किधर छोड़ के गया, कोई याद नहीं आ रहा साहब, क्या भी हमको पता नहीं, किसी लिए छोड़ा, दिमाग तो पागल बन गया, वैसा बन गया साहब, किसी लिए इधर छोड़ा, हमें क्या गलती किया, क्या भी मेरे को नहीं मालूम साहब, अच्छा नाम भी पता नहीं मेरा साहब, वैसे वो क्या दिमाग खराब। अच्छा बेटे, अब से तेरा नाम लोका पावनी, अब से तेरा नाम लोका पावनी, हाँ बेटी मेरे साथ मेरे आश्रम में तेरे को आश्रय दूंगा, रक्षण दूंगा, बच्चा सर्कल में देख लो। तो कहने सीता माता को जंगल से आश्रम को लेके आया, आश्रम ही बताऊंगा अभी स्टोरी बोल रहा हूँ, आश्रम को लेके आया साहब, सीता माता को आश्रम में आश्रय दिया, रक्षण दिया, साथ दिया। 9 महीने के बाद सीता माता वाल्मीकि आश्रम में डिलीवरी होगा, लवा कुश को जन्म दिया वाल्मीकि यहाँ पर। ये गोंका बोले अभी भी पुत्र योद्धा बोलते, पुत्र योद्धा लवकुश जन्मभूमि भी बोलते, प्लेस है बताऊंगा। बाद बच्चा पैदा हो रहा, बच्चा बड़ी होता रहता, वाल्मीकि महर्षि बच्चा उनका लवकुश का सब हिस्ट्री बताऊंगा, रामायण और धनुर्वेद विद्या पूरा सिखा दूंगा, धनुर्वेद रामायण भजन विद्या पूरा सिखा दूंगा बच्चा लोग को वाल्मीकि महर्षि। बच्चा लोग बड़े होते रहता, पूरा विद्या सिखा रहता था, बच्चा लोग को 14 साल उम्र आया, 14 साल यस आया। उसी टाइम में अयोध्या में गरीबी आई सब, गरीबी मतलब अकाल, बारिश नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, आदमी लोग का खाने का नहीं, चक्रवर्ती राम जी अयोध्या में। अच्छा पूरा महर्षि किसे भी बुलाया, महर्षि की दुनिया में महर्षि सब लोगों को बुलाया, एक जगह में बैठा को मीटिंग करी, क्या साहब मेरा नाम रत्न कितना महर्षि किया, अच्छा लोग कितना परेशान हो गया, कई को क्या तकलीफ आया, क्या साहब इसको बोलो, बोलेगा महर्षि से भी। सीता माता को उसी दिन कान छोड़ की बोलो कैसा है कि आई की दुनिया में नहीं की, बोलो का सब पकड़ हो गया साहब, ऐसे भी हमको पता नहीं सर अभी क्या करना, आदमी पूरा भूखा है ना, वैसे आप परेशान में है ना, कहता भी बोलो साहब, बोलो बोलेगा महर्षि सब भी राम जी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, अश्वमेध को वो घोड़ा दुनिया को नहीं पता, ये बाप बच्चा लोग मिलाने के लिए विधि से वो घोड़ा दुनिया पूरा घूम के जाको ये जंगल में आपको कड़ेगा। बाद लवकुश वो घोड़ा को बांध देता, जागे बताओ
लवकुश घोड़ा को बांध देता। बाद हनुमान जी आऊंगा, ये राम जी का घोड़ा छोड़ो ना, बच्चों को पूछेगा, बच्चों नहीं छोड़ूंगा। बाद राम लक्ष्मण आएगा, आता युद्ध करता, घोड़ा के लिए युद्ध चलता बाप को और बेटा। हाँ, हाँ हाँ दिख रहा है ब्लैक, वो ब्लैक को सामने। हाँ वहां पर युद्ध के लिए घोड़ा के लिए युद्ध करता रहूंगा लवकुश और राम लक्ष्मण। हनुमान जी आपको सीता माता को बोलेगा, सीता माता लवकुश और राम लक्ष्मण युद्ध करता है, आप देखो। वैसा बोले तो सीता माता बोलेगा हमें यहाँ से कैसे देखना बा, वैसे बोलेगा हनुमान जी को। हनुमान जी उसी टाइम में एक रॉक के ऊपर, एक रॉक के ऊपर एक रॉक, तीन रॉक रख दिया हनुमान जी। महर्षि वाल्मीकि मूल आश्रम अवंतिका क्षेत्र श्री वाल्मीकि पर्वत, मतलब वाल्मीकि महर्षि का पूरा जंगल है, मूल आश्रम है। वाल्मीकि महर्षि का मूल आश्रम है मैडम, इधर है वाल्मीकि महर्षि, यहाँ बैठ के रामायण रचना किया मैडम। सीता माता को लक्ष्मण छोड़ते किए ना जंगल में, बाद में लेके आया को वाल्मीकि महर्षि यहाँ पर आश्रय दिया, यही आश्रम में आश्रय दिया। 9 महीने के बाद सीता माता दिलवरी की वजह पे जागा, लवकुश को जन्म भूमि। चलो मैम अंदर अंदर जा सकते हैं? हाँ जा, आप जाओ। मैडम इधर मिट्टी तोड़ा ले जाता, आदमी लोग अभी आदमी लोग पूरा इसीलिए अंडरग्राउंड बन गया। मिट्टी लेके जाकर क्या करते है, पानी में डाल देते मिट्टी, मिट्टी नीचे चल जाता ऊपर पानी रहता, वो थोड़ा पानी पीना है आरोग्य के लिए। मतलब अभी दिन में हॉस्पिटल है, पहले का दिन में हॉस्पिटल नहीं, बहुत दूर था, केड़ा में से भी नहीं रहता। उसी टाइम में डिलीवरी होने के टाइम में लेडी का थोड़ा पिलाता था ये पानी, डिलीवरी जल्दी से हो जाता था। अभी ये बच्चों को पेन आता महीने का एक टाइम, पेट में पेन आता, लेडी बच्चा को पेन आता महीने में एक बार, थोड़ा आदमी लेडी को, वो लोगों का भी पिलाया तो वॉश हो जाता, अभी भी हिस्ट्री में है। उसी लिए ये मिट्टी इतना अंडरग्राउंड बन गया। ले ले।
सुगरी होने पे पहले एक 10 लाइजर पहले थोड़ा पहना था सीता माता को। सीता माता उसी टाइम में वाल्मीकि महर्षि को पूछा, साहब हमारा पिताजी याद आ रहा मेरे को, मेरा माँ तो इधर ही है, पिताजी याद आ रहा है। उसी टाइम में वाल्मीकि महर्षि जनकराज का पोटा निर्म किया मैडम। जनकराज सीता माता का बाप नेपाल में गवाई जनकपुर कर, जनकपुर में जनकराज खेती का काम करता था। खेती का काम करने के टाइम में भूमि में मिलेगा एक बॉक्स मिलेगा भूमि में, और बॉक्स उठा को कोल को देखे तो एक लड़की का बच्ची बहुत सुंदर है बच्ची, ये बच्ची को हमें कोशिश करना पड़ता है, अच्छी हम लोग का नाम होगा, इसीलिए वो बच्चा को जानकी नाम रख के कोशिश किया। सीता माता को जानकी पहले नाम, जनक महाराज का पुत्र जानकी। पांडवर देवालय साहब यहाँ पर पंचपांडव कई को आया। रामायण चल गया तो त्रेता युग में, पांडव आया द्वापर युग में, एक युग चेंज। सीता माता त्रेता युग में 14 साल यहाँ पर वनवास पढ़ के भूमि के अंदर गया, त्रेता युग होगा बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में पैसा होगा पांडव और कौरव, थोड़ा दिन अच्छी था भाई, दोनों भाई थोड़ा विधि से थोड़ा दिन के बाद ये लोग जूझ कोल के राजपुरा बरवार वो के वनवास में पड़ गया पांडु द्वापर युग में। यहाँ से 50 किलोमीटर मिलता है चिंतामण के पास एक गांव है, वो गांव का नाम कईवार। कई बार में द्वापर युग में ये लोग वनवासी के था। सीता माता 14 साल वनवास पढ़ को भूमि के अंदर गया ना, हमें भी जाको वो क्षेत्र दर्शन करके आए तो हम लोग का मोक्ष मिलेगा ना, दुख ना हमारा वनवास क्लियर हो जाऊंगा। सीता माता का आशीर्वाद हमको लगेगा, हमें बात अच्छा तरह से हस्तिनापुर पहुंचेंगे, इसलिए वो लोग इधर आया, वो लोगों का नाम पे धर्मा भीमा अर्जुना नकुला सहदेव 5 शिवलिंग प्रतिष्ठा किया है सब उसका नाम पे। में इधर बारिश का पानी थोड़ा था, सीता माता डिलीवरी होने का वो कपड़ा रात का टाइम में दीप लगा के कपड़े धोने का जगह यहाँ पर देखो ना ये तेल का दीप। सीता माता का डिलीवरी का कपड़ा यहाँ पर धोया सीता माता रात के टाइम में। मैडम यहाँ पर सीता माता लव कुश को दूध पिलाने वाली, हमें बोलतो पलाड़ी बोलतो आलाड़ी बोलतो ओल्ले बोलतो अपना भाषा में शंकु बोलते, शंकु चम्मच क्या भी बोलते हैं आप लोग का, छोटे बच्चों को पिलाते ना स्पून, स्पून नहीं मैडम और एक्स्ट्रा लग गया ये नहीं। सीता माता अब क्वेश्चन ये रॉक में कैसी पिला दिया सीता माता बच्चों को, वैसा क्वेश्चन रहते। सीता माता त्रेता युग में लव कुश को दूध पिला के यह राख का ऊपर रख किया, वो युग चेंज होते रहते ना, बात देखना पड़ता वो स्टोरी पूरा सुनना है ना, देखना पड़ता नहीं लिया है, राख में सिंबल बन गया मैडम।
सीता माता वाल्मीकि आश्रम में आश्रय पोड़ा रक्षण पोड़ा 9 महीने के बाद लवा कुश भेजा होगा मैडम। बच्चा रखने को आश्रम में रहने का नहीं होता, महर्षि से भी आता रहता जाता रहता याग करता रहता, उसी वो जगह में बच्चा रखने को एक लेडी रहने का नहीं होता, उसीलिए सीता माता अलग रहने के लिए ये घर एक पीठ में एक ही शिवलिंग था, काम भी नहीं रहता। अभी देखो यहाँ पर दो शिवलिंग रख के प्रतिष्ठा किया लवा कुशा। राम लक्ष्मण कैसा पसंद है उसी लिए डबल पसंद है लवा कुशा, उसके लिए एक पिट्टा में दो शिवलिंग रख के प्रतिष्ठा किया ही। मैडम ये दो बच्चों का झूला, मैडम बच्चा नींद करने के लिए झूला। मैडम ये एक मिट्टी का बर्तन मैडम क्या चीज के लिए, बच्चा लोग को क्या था भी मेडिकल प्रॉब्लम रहे तो ये बर्तन में तेल डाल देता, बाद में आयुर्वेदिक ये जंगल में मिलता आयुर्वेदिक पत्ता काट के उसमें डाल देता, गर्म कर देता, बाद ठंडा होने का बाद सिर में डाल देते और मुंह में डाल देती आरोग्य के लिए। मैडम सीता माता शारदा माता को पूजा करता था एक मंगनाती तट्टा मैडम आरती तट्टा कर्पूर सिलगा को सीता माता शारदा माता का पूछता था, माता शारदा माता जल्दी से ये लवकुश को उसके बाप के साथ मिलाओ, उसे प्रेयर कर रहे मैडम। मैडम लवकुश नहाने के लिए पानी गर्म करते था एक पित्तल का अंडा बोलते मैडम मेटल साउंड मैडम, ऐसे भी मिट्टी का बर्तन मैडम, मैडम ऐसे भी सीता माता यहाँ रहने का टाइम में हमारा किचन में रख लेते ना एक लोटा एक चम एक ग्लास एक बर्तन वैसा रख लेकर वॉश करते थे मैडम। मैडम सीता माता रहने का टाइम में ये रॉक वैसी था, सीता माता भूमि के अंदर गया ना बात त्रेता युग खत्म हो जाता, बाद में हनुमान जी ये रक को उल्टा किया है मैडम। सीता माता भूमि के जाने का बाद सीता माता भूमि के अंदर चले गया, बाद में राम जी अकेला हो गया, अकेला होगा इधर तपस किया उसी लिए एकांत रामा एक शिवलिंग है मैडम देख लो ना एकांत रामा इधर बजो इधर बजो आप क्या सा बोले अच्छे रहते
माता को लक्ष्मण अयोध्या से लेके आए हैं जंगल में छोड़ने के लिए। इधर जंगल में छोड़ने के टाइम में ये जंगल पे काम भी पानी नहीं था मैडम। लक्ष्मी सीता माता को पीने के लिए पानी होना पड़ता। उसी टाइम में लक्ष्मण को पूछा सीता माता, लक्ष्मणा मेरे को पानी चाहिए। अच्छा माता आप लेंगे ना, धनुष लेके आको, एक ही रख को ऊपर धनुष डाला, पाताल गंगा को प्रेयर करके पाताल गंगा ऊपर रहिया, उसे लिए लक्ष्मण तीर्थ मैडम। मैडम आप पूछे ना कि इसमें क्या आई बोले तो मैडम, अभी आदमी लोग सीता माता त्रेता में भूमि के अंदर जाने का, भूमि के जाने का पहले यहाँ से उर्ण सेवा करके भूमि के अंदर किए गए थे सीता माता। अभी आदमी लोग इधर उधर सिर लगा को इधर पावन छोड़ को वैसे उर्ण सेवा कर को वो बच्चे उनको उधर आता मैडम। मतलब क्या था अभी आम में क्या था अभी ठीक नहीं रहे तो पांच लाजा उधर पकड़ देता हूँ। चल चल चल।
सीता माता को लंका से लेकर आया ना, बाद में अयोध्या में अग्नि प्रवेश किया, वो आग पानी बन गया, उसीलिए वो पानी का अग्नि तीर्थ बोला, वही ब्रांच अग्नि तीर्थ यहाँ पर अवनी में क्षेत्र अयोध्या में ऐसा यहाँ पर ब्रांच देखने के लिए अश्वमेध याग घोड़ा को लवकुश यहाँ पर बान के अच्छा युद्ध के लिए गया यहाँ पर छोटे जाड़ा है ना रखो पर वहां पर बान के युद्ध के लिए गया लवकुश अश्वमेध घोड़ा को उसको भूख लग के पकड़ के काया आई घोड़े ने फिर घोड़ा का क्या मैडम क्या घोड़ा यहाँ पर पाव रख के पकड़ के काया आवनी क्षेत्र का इतिहास और एक बार हेडलाइंस ये क्षेत्र का नाम अवंतिका मतलब वाल्मीकि महर्षि का जंगल ये जंगल पे लक्ष्मण सीता माता को लेके आको जंगल में चोर की वापस चले गया बाद वाल्मीकि महर्षि देखे सीता माता को आश्रम में लेके आया आश्रम में आश्रय दिया रक्षण दिया 9 महीने के बाद वाल्मीकि आश्रम में सीता माता डिलीवरी होगा लवाकुश भेजा हो गया लवाकुश का जन्म भूमि पुत्र अयोध्या बाद लक्ष्मण तीर्थ सीता माता वनवास करने का घर बाद सीता माता भूमि के अंदर गया ना वो घर बाद अश्वमेध घोड़ा बांध दिया ना वो एक बाद लवकुश को बाप के साथ मिला को सीता माता भूमि के अंदर गया वही आवनी क्यों टांग रखे मैम सीता माता को लेडीज प्रेयर करेगा हम लोग वैसा करो कैसे करो वैसा यहाँ पे भी कुछ दर्शन